वर्ष 2020 कोई भी याद नहीं करना चाहेगा इस ईयर को, और ना ही चाहेगा कि ये वर्ष कभी भी इस तरह का दोबारा कोहराम मचाए। 2021 को सभी खुशी खुशी के साथ याद करना चाहेंगे, इसलिए आगे के गाइडेंस को आगे कोई भी जाके इस महामारी का शिकार ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने का निश्चित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा तो अभिभावक भी जागरूक होंगे और स्टाफ भी जागरूक होगा और हर बच्चा भी जागरूक हो। ये इसी मकसद से मैंने वीडियो को वायरल करने का सोचा, और वायरल बजाय कि मैं इस पेंटिंग को अपने पास तक ही सीमित रख सकता था, लेकिन मैंने इस वीडियो को बना के ऑनलाइन करने का निश्चय किया ताकि लोग इसी वीडियो को भी देखें और इसमें लिखे हुए गाइडेंस को भी देखें जो कि सरकार ने फॉलो करने के लिए बोले हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इस महामारी के शिकार भी हुए, काफ़ी जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लोगों को अपने जरिए देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस करने के लिए ही मैंने वीडियो बनाया। और इस दूसरा मकसद में से इस वीडियो का ये था कि जो पेंटर भाई एक से ज़्यादा इमेज को एक पेंटिंग में देखकर घबरा जाते हैं कि एक से ज़्यादा डायग्राम किस हिसाब से ड्रॉ करें एक ही पेंटिंग में, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि वीडियो में मैंने हर पेंटिंग में वही दिखाने का कोशिश किया है कि एक पेंटिंग से ज़्यादा पेंटिंग आने पर आप कलर एक साथ मिक्स करें, एक ही पेंटिंग का जो कलर है वो कॉम्बिनेशन एक साथ बैठाने की कोशिश करें कि जितना कलर हो सके उस कलर को दोबारा उठाने की ज़रूरत ना पड़े और एक साथ देने की कोशिश करें। इसी मकसद के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। दोनों ही पेंटिंग है बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चे देखेंगे भी और इस पर कुछ सीखेंगे भी, पेंटिंग से भी सीखेंगे और दूसरा इसके नियम कानून भी है ना, आप कोरोना से संबंधित आप बार बार पढ़ने, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो चीज़ वीडियो देख के आज भी सीखता है वो देख के नेचुरली देख के नहीं सीखता, क्योंकि हम जब भी कोई भी पिक्चर वगैरह का सीन देखते हैं तो वो पिक्चर वगैरह हमारे दृष्टिपटल पर ऐसे छप जाती है जैसे कि हमें कोई उसका सीन आंखों के सामने चल रहा हो। उसी हिसाब से मैंने ये वीडियो अपलोड किया है कि आपको भी उसी तरह से नियम कानून याद भी रहें और कोरोना से बचें भी, रुखसा नियमावली आप भी पढ़ेंगे भी इसी में और आप देखेंगे भी वीडियो। तो दोनों ही मकसद से मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जोड़ें, अगर आप नए हो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, आगे से आगे लोगों को शेयर करते रहें ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो शिक्षा से संबंधित और अन्य गतिविधियों से संबंधित आपके लिए लाता रहूं। ओके थैंक यू, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पेंटर भाई के लिए मेन पॉइंट ये था कि आप आउटलाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें, आउटलाइन आपकी करेक्ट होगी तो आपके लिए वीडियो में जो पेंटिंग बन रही है बहुत ही ईजी हो जाएगी, क्योंकि मेन आउटलाइन ही आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी कभी कलर कॉम्बिनेशन आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि आपकी आउटलाइन बहुत कुछ बयां कर जाती है। यही मकसद लेके पेंटिंग बनाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो वीडियो और पेंटिंग, क्योंकि अधिकतर पेंटिंग्स में आउटलाइंस का मकसद उतना नहीं होता और कभी कभी रंग का भी कलर का भी उतना महत्व नहीं होता, लेकिन अगर आपकी आउटलाइन आपकी करेक्ट है तो आप बिल्कुल एक ब्लैक कलर के स्याही से भी आप बहुत कुछ बयां कर पाएंगे जो कि आपका कलरफुल वर्क भी बयां नहीं कर पाएगा, इसलिए आउटलाइन आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ऐसे वर्क में। छोटे डायग्राम है इसमें ना ही आपका कोई पोर्ट्रेट फिक्स होता है ना ही कोई वोट फिक्स होता है, क्योंकि आप ओनली कलर पे ही छोटा मोटा कलर दे के ही आप उस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मास्क सभी लगाएं, उचित दूरी बनाएं और अगर किसी में भी इसके लक्षण दिखाई दें तो निम्न नंबरों पे कॉल अवश्य करें, 104 या 108 पर आप कॉल कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। विद्यालय की जब भी मीटिंग हो चाहे किसी भी स्तर पर हो तो बच्चों की सुरक्षा के बारे में ज़रूर आप चर्चा करें, यही इस बोर्ड बनाने का मकसद था। भारत में भी कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, इसलिए जब भी अपनी बारी आए तो आप कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगवाएं, ये एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। ये वैक्सीन कोरोना के प्रति बहुत ही प्रभावी है, इंडिया की जाँचकर्ताओं ने भी है ना बिल्कुल सही तरीके से स्पष्ट करके इस वैक्सीन को लागू किया है भारत में और बिल्कुल सही है, इसलिए अपना टाइम आने पर ज़रूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत, सभी निरोगी रहें।